अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमीर याकूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अमीर याकूब। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में और एक शौकीन भाई के पास आया हूँ। ये बर्ड्स के बहुत शौकीन हैं, इनके बर्ड्स देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं बर्ड्स के बारे में। और मुझे भी इस बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है क्योंकि हम लोग पहले फार्मिंग का करते हैं, कैटल बफेलो के हवाले से या गॉट फार्मिंग के हवाले से। तो आज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बर्ड्स के हवाले से, तो भाई से लेते हैं सारी डिटेल। हमारे भी नॉलेज में कुछ इजाफा होगा, कुछ हमारे देखने वाले दोस्तों को भी मालूमात मिलेंगी। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह के करम, आप अपना ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि भाई ज़रा कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, लेकिन इनको माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज़्यादा है और बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो ये बताइएगा भाई, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन कोई 10 से 15 साल हो गए। 10 से 15 साल हो गए। अच्छा ये जो अभी हम पेयर दिखा रहे हैं, हमारा कैमरा दिखा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ये सनकनोर पेयर है। अच्छा तो इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन जो ब्रीडर पेयर है 90-95 हज़ार रुपये का। अच्छा ये अभी लगा हुआ है पेयर? हाँ जी, अंडे दे रहा है। ये ब्रीडर पेयर है मेरे पास। अच्छा तो ये आप जब लाते हैं इनको तो ये वहाँ से मैच करके लाते हैं इसको? नहीं, ये कुछ ऐसा होता है, ये बच्चे वगैरह हम लेके, मैंने जो अपना सारा सेटअप राइस किया बच्चे लेके, इनको खुद हैंड फीड करके डीएनए करवा के खुद पेयर बनाए हैं मोस्टली। अच्छा तो ये कितने के आपको बच्चे मिलता है वहाँ से? बच्चा डिपेंड करता है आपने किस एज का लेना बच्चा। आपको पिन फीडर जो बच्चा है वो 15 से 20 हज़ार का राउंड अबाउट मिल जाता है, और जो पट्टे अगर सेल्फ लेने हो तो 25 हज़ार रुपये का पर पीस है विदाउट डीएनए। विदाउट डीएनए के साथ जो होते हैं इनमें फीमेल्स बहुत कम होती हैं, मेल्स होते हैं मोस्टली, तो इसका बड़ा उसमें ना हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मेल फीमेल ढूंढने में। सही, तो वो डीएनए कराना पड़ता है इनके क्लास। तो वो डीएनए वाले कितने पैसे लेते हैं? डीएनए अलग अलग वराइटीज़ हैं, कोई पार्ट डीएनए वाले हैं, बर्ड्स प्लैनेट वाले हैं, 1000 लेते हैं, 700 लेते हैं, 800 लेते हैं। ये नीचे भी यही पेयर है? हाँ जी, ये सारे यहीं पे यही पेयर लगे हैं। अच्छा इस साइड से सारे। तो ये अभी इसकी क्या प्राइस होगी जो ये पेयर आपने लगाए हुए? 95,000 फिलहाल मार्केट प्राइस है इनकी अभी इस टाइम। तो ये अंडे दे रहे हैं अभी या इनका सीजन आएगा? अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, ये इंशाल्लाह ताला बस इस सीजन में ब्रीड करेंगे, लास्ट सीजन में बस ब्रीड की है इन्होंने। ठीक, तो ये बच्चे फिर आप जब इनको निकलवा लेते हो? बच्चे मैं मोस्टली खुद ही राइज करके इनको फिर सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अमीर याकूब को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आगे शेयर कर दिया करें, शेयर करने की रिक्वेस्ट आपसे बार बार इसलिए की जाती है ताकि जो दोस्त फार्मिंग का शौक़ रखते हैं उनके भी नॉलेज में इजाफा हो सके। जी भाई ये बताइएगा ये कौन सी ब्रीड है? ये ब्लू टर्क्वाइज है, येलो शेडेड टर्क्वाइज भी इनको कहते हैं। जी जी, इसमें ये ब्लू टर्क्वाइज पेयर फिलहाल मार्केट रेट जा रहा है 1,20,000 का जा रहा है पेयर ये। सही, इसमें 2-3 वैरायटीज होती हैं, इसके साथ ही ये वाला चीज लीजिएगा, इसमें एक ग्रीन चिक ब्लू टर्क्वाइज है, एक ब्लू टर्क्वाइज येलो शेडेड है। सही, ये जो नीचे स्टिक पे बैठा हुआ है ग्रीन चिक ब्लू टर्क्वाइज है और जो उसके साथ जाली पे लटका हुआ है वो येलो शेडेड ब्लू टर्क्वाइज़ है। तो इसकी क्या निशानी क्या है इसकी? इसकी चेस्ट जो होती है ग्रीन चिक की चेस्ट जो होती है वो ब्लैक कलर में होगी, ग्रीन कलर में होगी, डार्क होती है, और येलो सेडर की जो होती है वो आगे से येलो लाइट कलर होता है। अच्छा वो येलो टोन दे रहा है। हाँ जी येलो टोन होता है। ये भी ब्रीडर पेयर है, पट्टे जो होते हैं वो तकरीबन कोई ऑलमोस्ट रेडी टू ब्रीड होते हैं, वो 1 लाख के राउंड अबाउट आते हैं। जी जी, 1,20,000 का ब्रीडर पेयर। सर ये सारे नीचे? हाँ जी, तो ये कितने पेयर हैं अभी आपके पास? मेरे पास 5-6 पेयर हैं। फिर तो ये वाला जो नीचे है ये वाला पाइनएप्पल हाइब्रिड में और ग्रीन चिक का मेल है इसके साथ, ये भी ब्रीडर पेयर है, ये भी राउंड अबाउट 20-25 हज़ार रुपये का है। अच्छा ये सेल इजीली हो जाते हैं? जी बहुत इजीली सेल होते हैं। ये भी वही है? नहीं ये ग्रीन चिक, ये येलो साइड हाइब्रिड में है मेरे पास। सही, तो ये ऐसे ही दोस्त लेके जाते हैं जो शौकीन दोस्त? बिल्कुल ऐसे ही है, हम ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो मतलब मैं आपको दही इलाकों की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा शौक से रखे तो बच्चों के लिए कोई ऑस्ट्रेलियन वगैरह रख लेते हैं,
लेकिन ये इस टाइप की ब्रीड्स हमारे पास नहीं होती वहाँ पे। वो सिर्फ मसला ये होता है कि एक तो मिलती नहीं है, और दूसरा ये है कि अगर कोई ब्रीडिंग करवा भी लेता है तो उसकी सेल में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का शौक सेल में जितना होता है ऑनलाइन हम सेल करते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप है हमारे ग्रुप्स बने हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है हम वहाँ ग्रुप में लगा देते हैं। तो अच्छा, तो कस्टमर मिल जाते हैं? हाँ जी, बाय बहुत इजीली मिलते हैं। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कमर्शियल आइटम्स होती हैं, जैसे मार्केट का रेट वगैरह होता है, कुछ होते हैं डेड आइटम्स होती हैं, उनका करना मुश्किल होता है इनको। लेकिन ये फिलहाल जो यहाँ पर कनौर आइटम है, ये सारी हॉट आइटम हुई है। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ये भी उसी टाइप के ही कोई नजर आ रहे हैं? ये वही ब्लू टर्कवाइज में है, लेकिन ये सिनेमन ब्लू टर्कवाइज है। अच्छा, ये 75,000 का पेयर है, बड़ा ब्रीड है, और बच्चे तकरीबन 20,000 का, 15,000 का, 20,000 का सेल हो जाता है इसका। अच्छा, ये जो बच्चे आप कह रहे हैं, ये फौरी अंडे से निकलता है? नहीं, तकरीबन 20-25 दिन का बच्चा होता है, मदर फीड पे ही रहता है। अच्छा, कुछ 10-15 दिन के होते हैं तो वो हैंड फीड पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद 20-25 दिन के सेल कर देते हैं। अच्छा, ये फिर उस टाइम अपनी फीड खुद लेना शुरू करते हैं? नहीं, खुद ही देनी पड़ती है 2 महीने तक। अच्छा, 2 महीने खुद देनी पड़ती फीड। तो ये तो मर भी जाते होंगे फिर, अगर केयर नहीं की होती तो? अल्लाह की मर्जी है, नुकसान नफा नुकसान तो फायदा आती है जी। नहीं, केयर करें, ये बड़ी हार्ड ब्रीड है, इतनी जल्दी इजी इनको कुछ होता नहीं है। पेयर के बारे में बताइएगा कि ये क्या है? ये संचिक कनौर है जी। ये लेकिन संचिक कनौर हायर एड में है ये। अच्छा जी, और ये अभी हॉट आइटम है मार्केट में, बहुत अच्छा जा रहा है। अभी जो रेट है इसका करंटली, जो तकरीबन 1,40,000 1,30,000 ग्राउंड अबाउट है ये पेयर। सही। अच्छा, ये बताइएगा भाई, ये सारे इंपोर्टेड होते हैं? नहीं, कुछ मेरे पास फिलहाल अभी कोई इंपोर्टेड नहीं है, सारे मैंने हैंड राइज किए हैं, बच्चे लेके खुद ही पाल के बड़े किए हैं। नहीं, वैसे ये ब्रीड इंपोर्टेड होती है? हाँ, ये इंपोर्टेड, बाहर से ही ले इंपोर्ट करके लोकल ब्रीड से फिर हम लेके आते हैं इनको। सही। ये माशाल्लाह बड़ा कलरफुल लग रहा है। ये क्रिम्सन कनौर है जी, और बड़ा रेयर बर्ड है, और हाई काफी इसकी हार्ड ब्रीड होती है। डिमांड भी इसकी अच्छी है जी, डिमांड अच्छी है, लेकिन अगर ये ब्रीड कर जाए, क्योंकि इनकी ब्रीड बहुत मुश्किल होती है। ये मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 2 ईयर से है मेरे पास, लेकिन अभी तक फिलहाल इसने ब्रीड नहीं की। अच्छा, अभी तक कोशिश तो है इंशाल्लाह। अच्छा, इनको ब्रीडिंग कराने के लिए कोई मेडिसिन भी देना पड़ती है, या कोई इंजेक्शन वगैरह भी लगवाने पड़ते हैं, या ये खुद ही नेचुरली होता है ये? अगर आप उसमें कोई नेचुरल फूड इनको दे रहे हैं, कोई अच्छा दाना दे रहे हैं इनको, कुछ सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह, डाइट अच्छी है इनकी, तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली मेरे पास इतना कि इनडोर शेड है ये मेरा सारा, धूप के सिस्टम भी नहीं है यहाँ पर, तो मुझे इनको विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं। तो इसका क्या रेट चल रहा है? ये तकरीबन कोई 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक है। 80,000 के डेढ़ जो ब्रीड होते हैं, 1.5 लाख का जो ब्रीडर पेयर हो जाता है वो 1.5 लाख का पेयर। अच्छा, बहुत हाई रेट है जी इसका, रेयर बर्ड है बहुत। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा भाई, ये इसको तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं कराची से मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किए थे ये 4 पेयर अलग अलग कलर में। इसके 4 कलर उन्होंने मुझे दिए थे, एक ये कलर था, एक ग्रे था, एक ब्लैक था, और एक वाइट था। तो लेकिन इन्होंने मेरे पास ब्रीड नहीं की थी, तो कुछ मेरे पास मर गए थे, कुछ फिर जो है वो मैंने किसी को दे दिए थे, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। तो बर्ड ये बहुत अच्छा है, मतलब लेकिन थोड़ा सा नाजुक होता है जी जी। अच्छा, रेट अभी इसका क्या चल रहा है पेयर का? जो मार्केट में रेट जा रहा है 4-5 हज़ार का ब्रीडर पेयर पेयर जी, पेयर जा रहा है। सही। और इसकी ब्रीड कितने साल में कितनी दफ़ा करता है? साल पूरा साल ही, अगर आप इसकी डाइट अच्छी रखें, अच्छा सॉफ्ट फूड देते हैं, पूरा साल ही ब्रीड करते हैं। अच्छा, ये जो अंडा नीचे पड़ा हुआ है ठीक है, ये सारे चीज़ें मेरे पास नीचे बच्चे निकले तो मैंने अलग। अच्छा, ये तो सॉरी वो कैल्शियम का है मेरा ख्याल से। अरे, ये तो कैल्शियम का वो लग रहा है ना बॉल, कैल्शियम ब्लॉक है। अच्छा, ये अलग अलग, ये जो वाइट वाला बैठा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? फेलो कनौर है, वो सॉरी ये कॉकटेल है, फेलो में है। अच्छा, फेलो में। और एक ये अंदर भी 2 किस्म के हैं, एक इनोपाइड है और एक फेलो की फीमेल है, स्प्लिट फेलो की फीमेल है मेरे पास। अच्छा, तो ये सारे पेयर लगे हुए हैं आपके? ये जो नीचे छठे बने हुए ये पेयर नहीं लगे, ये पट्टे हैं, ये पट्टे भी नहीं है, रेडी वो ब्रीडर ही है बड़े चीज का, इनको लगाया ही नहीं है फिलहाल ये। अच्छा, ये इसकी मेल फीमेल की क्या पहचान होती है? इनकी परों की पहचान होती है, इनके ताज से ऊपर से ताज पे भी पहचान होती है, डिफरेंट कलर का डिफरेंट ही होता है।
सर। और ये जो फेस पे ये कॉमन वाइट का फेस पे जो गोल दायरा बना हुआ है चीक से बने हुए हैं ऑरेंज कलर का, इससे भी मेल फीमेल से डिफरेंशिएट करते हैं। फीमेल की लाइट होती है, मेल का डार्क होता है थोड़ा। बताइएगा ये रेड पाइप है मेरे पास, पास्ता बोलते हैं जी, पास्ता भी कहने चाइनीज डब और रेड पाइप है वाली। इसमें भी डिफरेंट टाइप की ब्रीड होती है, बस इस थोड़े से फर्क से डिस्टर्ब होंगे। नया इनका मैंने वो लगाया था, नेस्टिंग लगाई थी उस वजह से थोड़ी टूटी हुई है डेयरी में। तो ये कितने की जोड़ी है जी? रेड पाइप में ये फिलहाल 45 से 50 हज़ार का जोड़ा जा रहा है। ये इतना महंगा क्यों है? बस म्यूटेशन में फ़र्क है, म्यूटेशन के इसी में जो दूसरा कलर ले रहे हैं रेड में ही ले रहे हैं सिंपल रेड में, वो 4,000 का, 3 से 4,000 का दे रहे हैं ये 45,000 का, क्योंकि ये रेड पाइड में इसी में पाइड में डायमंड पाइड है ये ऊपर शेयर लगा। हाँ ये डायमंड बिल्कुल शो है, 20-22 हज़ार का है। तो इनकी डिमांड है, मैं तो रेट सुन सुन के हैरान हो रहा हूँ कि आगे डिमांड इनकी होती है इतनी की ये जो सही है। तो ये इसकी ब्रीडिंग कब होती है और साल में कितनी दफ़ा ये ब्रीड करता है? ये भी सारा साल ही ब्रीड कर लेते हैं, मोस्टली ज़्यादातर गर्मियों में ब्रीड अच्छी होती है। अच्छा जी ये क्या है? ये सर जावा का पेयर है, ये ग्रे जावा है मेरे पास। अच्छा ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं ये भी, मतलब एक क्लच में जो होता है वो 5-5 6 तक के पाल लेते हैं, ताकि मार्केटिंग की बहुत अच्छी है। क्या रेट है? रीसेलेबल बहुत अच्छी है, ये तकरीबन 5-5 हज़ार का, 4,000 से 5,000 तक का पेयर है इसका। अच्छा ये ब्रीड अच्छी करता है, बहुत अच्छी ब्रीड। अच्छा इनको गर्मी सर्दी का भी कोई मसला होता है? इनको सिर्फ गर्मी सर्दी का, अपने गर्मियों में इनके लिए पानी नहीं इनके पास से ख़त्म होने देना जी, सर्दियों में इनके पास से दाना नहीं ख़त्म होने देना। अच्छा बाकी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर लेते हैं, अपने आप को सेटल कर लेते हैं गर्मी सर्दी में दोनों। अच्छा और इसकी जो मेल फीमेल की क्या पहचान होती है? इनकी आई कलर से होता है, आई बॉल से साइड से आई रिंग होता है। फीमेल का जो होता है वो लाइट कलर होता है और मेल का जो होता है वो डार्क होता है। बीच का भी होता है, बीच का भी आइडिया होता है, हेड का भी आइडिया होता है, डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा ये सारे वो डब हैं, ये क्या है? ये डब है, बीच में एक ना इसमें फिंच का पेयर है, ये ऑल फिंच है ये। अच्छा ये फिंच है, ये ऑल फिंच इसको कहते हैं। ये कितने का पेयर लग रहा है? ये 10,000 का पेयर है। तो इसकी भी इसी तरह रीसेल है? हाँ जी रीसेलेबल तो बहुत अच्छी रीसेलेबल है, लेकिन ब्रीड बहुत हार्ड है। अच्छा ब्रीड कम कर, ब्रीड बहुत मुश्किल से करते हैं। और ये साथ में डब है, इसमें मिक्स डब लगी है, कोई ऑपल डब है इसमें, ये पेयर नहीं लगे हुए हैं, ये पेयर हैं। अच्छा पेयर लगी है, ब्रीडर पेयर लग गए हैं, ये मिक्स ही मैंने लगाए हुए हैं। अच्छा तो इनके लिए आपने बास्केट लगाई हुई है, बाकी सबके लिए आपने बॉक्सेस लगाए हुए हैं, ये क्या चक्कर है? ये बास्केट में ज़्यादा खुश करते हैं? डब जो होती हैं वो सारे ये जो होती है ना बास्केट्स जो होती हैं उसमें ब्रीड करती हैं, ये बॉक्स में ब्रीड नहीं करती। सही हो गया। अच्छा ये सारे ये सब पेयर लगे हुए डब के? हाँ जी इसमें कुछ बच्चे भी हैं जो बाहर निकले हैं। अच्छा। जैसे ये बिल्कुल सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, ये कलर जिसका थोड़ा सा वो जी वो सामने नज़र आ रहा है ये बच्चा, उसके साथ एक और है वो बच्चा। और ये नीचे वाले जो हैं? ये नीचे वाले भी ब्रीडर पेयर हैं सारे, इनके तो कुछ के बच्चे भी होंगे अभी। अच्छा इनका भी वही रेट है जो आपने पहले मुझे बताया? 4,000-5,000 का। अच्छा वो अंडा भी एक अंदर छोटा सा खराब अंडा हो गया वो, उसमें बच्चा एक निकले ना उनका। हाँ वो बच्चा नज़र आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चा ये बैठा हुआ है, ये अंडों पे बैठी है। अच्छा ये अंडों पे बैठी है, सही सही। अच्छा भाई जान ये क्या है? ये सर मॉन्क है, इसको मॉन्क कहते हैं जी। और इसमें एक डिफरेंट कलर है, मेरे पास दोनों मेल हैं, इसकी फीमेल नहीं है मेरे पास। अच्छा ये ग्रीन मॉन्क है, एक ब्लू मॉन्क है। तो आपने इसके वो लगाए नहीं थे? फीमेल थी मेरे पास, लेकिन वो मैंने फिर मेल जो है उसके फ्रीजर में कोई प्रॉब्लम हुई है फ्लाइंग में, तो फिर मैंने फीमेल सेल कर दी थी। ये भी बस मैं सेल के लिए लगाया हूँ, सेल कर दूँ। अच्छा सेल करने के लिए। और ये नीचे जो है ये राह राह के पट्ठे लगाए हैं, राह के मैंने ये भी हैंड फीड पे मैंने खुद ही राइज किए हैं, ये ऑलमोस्ट 9-9, 10-10 महीने के हैं अभी। तो इनका क्या रेट होगा अभी? इसका राह का भी फिलहाल बहुत कम रेट हुआ है, 30,000 रुपये का, 15,000 रुपये पर पीस हुआ है पर पीस जी। तो ये जब ब्रीड करते हैं तो इसकी सेल अच्छी है? सेल अच्छी है इनकी राह की, जो क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो होते हैं लोग उसमें लेते हैं टॉकिंग राह, टॉकिंग बर्ड होता है, बहुत अच्छा टॉकिंग बर्ड होता है, बहुत अच्छा हो जाता है जी जी। तो उस लिहाज से बच्चा बहुत इजीली सेल होता है इसका, बच्चा 10-12 हज़ार। तो साल में कितने टाइम ब्रीड करता है? साल में इस पर डिपेंड करता है आपने कौन सी इसकी फीड डाइट किस तरह की दी है आपने, तो ये 3-4 दफ़ा ब्रीड कर ही लेता है।
अच्छा ये क्या है? ये वाइट तीतर जी, ये वाइट वाला जो है वो मेल है। हाँ जी। उसके पीछे जो पाइप में है उसकी फीमेल है। अच्छा ये इसी की फीमेल है? नहीं, इसका ये बच्चा है। अच्छा ये बच्चा है, बच्चा फीमेल इसकी ये जो इधर फीमेल। अच्छा ये एग्स पे जो बैठी हुई है ये फीमेल है। अच्छा इसका क्या रेट है जी? 17,000 पर पीस होता है इसके हिसाब से। तो इसकी है डिमांड आगे? हाँ, इसकी ज़्यादातर दही इलाकों में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी, सिटीज़ में बहुत कम है। वैसे ये रेयर बर्ड है वाइट टीचर जो होगा, मेरा ख्याल से आपने भी पहले इतना कोई खास नहीं नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो पता है ना वो मतलब जो लोग बर्ड्स का काम करते हैं कराची, मैंने देखा था एक दो जगह पे, वो ईरानी तीतर बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, वो क्योंकि इजीली अवेलेबल है ना, ये इतना मिलता नहीं है, रेयर बर्ड है बहुत। सही सही। तो ये इसकी ब्रीड जो है वो कितना टाइम होती है? ये सारा साल ही ब्रीड करते रहते हैं। कितने अंडे देती है तकरीबन? ये तकरीबन 6 से 8 अंडे देती है। मैंने 6-7 अंडे दिए हैं। बर्ड निकल जाते हैं सारे बच्चे? ठीक, चलें भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी सब दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद आमिर याकूब को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आगे शेयर कर दिया करें, ताकि जो दोस्त फार्मिंग का शौक़ रखते हैं उनके भी नॉलेज में इजाफा हो सके। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें स्पेशल टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।